जमा कुबेर का खजाना है क्या जो मरे जा रहे हैं उस कूड़ेदान के लिए? क्या चल रहा है ये? हाँ एक मिनट, आप वही हो ना जो कल कचरे का डब्बा चुरा रहे थे और जब हमने पकड़ लिया तो छोड़ के भाग गए? हाँ, मतलब नहीं नहीं मैया की, बताते हो साफ साफ ये कूड़ेदान का क्या चक्कर है? तो अपने तरीका से निकलवाए हम, बताओ हमको। इस कचरे के डब्बे में तो कुछ है नहीं, क्योंकि पैसा तो हमारे पास है। ये क्या हुआ? अरे नन्हे नन्हे पैसे कितना भागोगे? आई तो हाँ, कहाँ भाग? मुसीबत क्या है, कब से भगा रहे हो? थका दिया आपने। आप सबसे पहले ये बताओ कि इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है कचरे के डब्बे में? कल रात को भी कचरे का डब्बा चुरा के भाग रहे थे और अभी भी यही कर रहे हो, है क्या इसके अंदर? और चुराना ही था तो कुछ और चुराते नहीं कि कचरे का डब्बा चुरा लिया तुमने? क्या केस बनाए तुम पर, बताओ क्या केस बनाए? देखिए मैडम, हम चोर नहीं है, दुकानदार है। नमकीन की दुकान है हमारी, कोरियर पार्क के पास। हाँ मैं समझ गई, लॉकडाउन की मार मैडम। इनकी दुकान में इतनी मंदी चल रही है कि कचरा बाहर डालने के लिए भी पैसे नहीं है, इसलिए कचरे का डब्बा चुरा लिया। दुकानदार हो, व्यापारी आदमी हो और ऐसा घटिया काम कर रहे हो, काहे कर रहे हो, समझाओ हमको। इसमें हमारे पैसे हैं। क्या पैसे? जी हाँ, मैंने इसमें पैसे रखे थे, अपनी मेहनत और ईमानदारी के कमाए हुए पैसे। क्या 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 भैया, क्या बोल रहे हैं आप? करिश्मा मैडम, मतलब ये बोल रहा है तो हो भी सकता है ना। तुम टोपा हो का? हाँ मैडम, ये टोपा सही कह रहा है। मैंने थैली में पैसे रखे थे, थैली फट गया तो कचरे में मैंने डाल दिया, ये सोच के कि चोर उचक्कों से सावधान रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और किसी को शक भी नहीं हुआ कि इसमें इतने पैसे रखे हैं। लेकिन आप थैली में इतने पैसे लेके क्यों जा रहे थे? हाँ, वो दरअसल वो मेरा अगर पुलिस के पास जाने का सोचा भी तो याद रखना, तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। मेरा बैंक में जमा कराने जा रहे थे। अच्छा, आधी रात को कौन सी बैंक खुली रहती है बताइए? वो बैंक, हाँ वो बैंक, हाँ हमें पता है वो बैंक, वो नाइट बैंक ना। हाँ। वो नाइट क्लब होता है ना वैसा, वो नाइट वाला बैंक नाइट में ही खुलता है ना। अम्मा तुम सुनो, तुम कुछ छुपा रहे हो ना हमसे? नहीं, कुछ नहीं छुपा रहे हम। नहीं भैया, छुपा तो आप रहे हैं, क्या आपकी शक्ल पे लिखा है कि आप छुपा रहे हैं? अब हमें बताइए, जल्दी बताइए। हाँ मैडम, आपको गलतफहमी हो रही है, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं, इसमें हमारे पैसे हैं, हमारे पैसे मुझे दे दीजिए, हमें उसकी सख्त जरूरत है। संतु चेक करो, इसमें पैसे हैं। बिल्लू जी, आप प्लीज चेक करेंगे, मैंने कल ही मैनीक्योर करवाया। मैनीक्योर नहीं करवाया? अम्मा चेक करो ना। ओके। Oh my God! Oh my God! पैसा है? इसमें पैसे नहीं है। क्या? कुछ पैसे नहीं है। कहाँ पैसा, कहाँ बताओ पैसा कहाँ है? पैसा छुपाया इसमें? मैंने इसमें ही पैसे रखे थे, अपने हाथों से रखे थे, कहाँ चले गए? ये भगवान, अब क्या होगा? एक मिनट, अब क्या होगा मतलब क्या, कुछ कोई बात है क्या? कुछ आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं हमको। देखिए हम पुलिस हैं, हम यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आए हैं, कोई भी बात है हमसे हमें बताइए, प्लीज बताइए। अगर मैंने इन्हें गोपाल के अपहरण के बारे में कुछ भी बताया और उस किडनैपर को पता चल गया तो वो गोपाल को जान से मार देगा। मैंने कुछ नहीं बता सकता, मैं अपने गोपाल की जान खतरे में नहीं डाल सकता। देखिए मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, हमें जाने दीजिए। अरे, छुपा तो तुम कुछ रहे हो भैया। दादी? हाँ। ये अचानक, मतलब आपने तो चौंका ही दिया हमें। कैसी हैं आप? हम तो ठीक हैं भैया, तुम बताओ, तुम्हारे घुटने का दर्द
वो जो वीडियो कॉल में एक्सरसाइजेस बताए थे वो कर रही हो कि नहीं? रोज सुबह उठते ही सबसे पहले वही तो करते हैं हम। देखो तो कैसे अच्छे हो गए हमारे घुटने एकदम। अरे वाह वाह, क्या बात है। ये कौन? ये दादी है, इन्हीं से तो हमने हमारा लाइफ इंश्योरेंस करवाया है। जब भी कोई सुख दुख की बात होती है ना, हम हमेशा इन्हें फोन करके इनके साथ ही बतियाते हैं। अच्छा अच्छा, इतने सुख दुख बांटते हो तो बैठने के लिए क्यों नहीं कहा अब तक? आई, अरे बैठो बैठो दादी। अरे बैठ जाते हैं, ऐसी क्या बात है। हाँ। वैसे इस उम्र में इंश्योरेंस एजेंट? अरे दादी का कहना है कि काम करने की कोई उम्र नहीं होती, बस मन के अंदर काम करने का जज्बा होना चाहिए। अरे पता है, आज तक हमारे एक भी प्रीमियम मिस नहीं होने दिया उन्होंने। बहुत ही मेहनती और जुझारू महिला है हमारी दादी। अरे वाह, हमारा छोटा पोता भी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी तरह। बचपन में हमने उसे एक पाठ पढ़ाया था, आज तक वो उसी पे अमल करता है। बहुत मेहनती है हमारा छोटा पोता। मन कामेश्वर ना। अरे होगा ही ना, बिल्कुल आप ही की तो परछाई है वो। एक मिनट, ये लो। क्या ये? देखो तो। किसकी शादी? मन्नू की शादी? क्या बात है, बहुत 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 बधाई हो। मन्नू कौन? हमारा छोटा पोता। आपका छोटा पोता? दिखाइए दिखाइए। अरे दिखाते हैं, ये देखो हमारा छोटा पोता मन्नू। जगावत बड़ा पावत रे, कितना हैंडसम है ये तो। हसीना जी, हसीना जी है। वाकई बहुत हैंडसम है आपका पोता। मेरे ना ऐसी उम्र निकलने वाली, सूखी सूखी मातारी हो जाएगी मैं तेरी जैसी। आपके इनका कोई छोटा भाई बड़ा भाई है कुमारा? कोई नहीं, यही है हमारा सबसे छोटा पोता। कॉन्ग्रेचुलेशन फिर। थैंक यू थैंक यू। बहुत मजा किया है। हसीना जी है। हाँ करिश्मा सिंह बोलिए। हाँ बोलो। सुनो तुरंत तुम ना ब्रिज के शॉप पर पहुंचो फटाफट। हाँ काय के लिए? समोसा के लिएगी। एक केस के सिलसिले में तुम्हारा जरूरत है, तुरंत आओ उसकी शॉप। हाँ हाँ ठीक है आ जाएगी। मातारी मेरे को पुष्पा जी, हमें करिश्मा सिंह जी ने बुलाया है कुछ किसी केस के सिलसिले में, तो हम आते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शादी की फिर से बधाई हो। शुक्रिया। तुम शादी में आओगी तो हमें बहुत खुशी होगी। याद है ना शादी की तारीख? 7 फरवरी शाम 7:30 बजे बारात निकलेगी। हाँ हाँ, ये मातारी लेके आएगी, मेरा नक्की आएगी। ये रहा ब्रिज मोहन का नमकीन का दुकान जिसके बारे में वो कह रहा था। कहाँ रह गई उर्मिला? ब्रिज तो बताओ तुम्हारे कुछ नहीं लगते, और नाम है उर्मिला। कहाँ रह गई थी तुम? अरे कहाँ क्या रह गई थी, क्या लग रही है मैं, कैसी लग रही है? एक नंबर। हाँ अच्छी लग रही है हमको। सुनो हमने तुम्हें ऐसे बुलाया क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्रिज मोहन है ना, ये पक्का कुछ छुपा रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नक्की। लिख के दे रही, मैं तेरे को किसी ना आंटी के साथ इसका मस्त लफड़ा चल रहा है और वही वो छुपा रहा है। तुम्हारे दिमाग में एक ही ट्रैक चलता है, इसका इससे अफेयर, इसका इससे लफड़ा। अमा कूड़ेदान, कूड़ेदान से संबंधित ना कुछ छुपा रहा है। तेरे को सब मालूम है तो माई मेरे को काय के लिए बुलाए दे? ताकि तुम हमारी मदद कर सको। ये बोल नहीं पा रहा है, इसको परेशानी है लेकिन ये छुपा रहा है, तो हम चाहते तुम जाओ जाके पता लगाओ कि क्या परेशानी है इसको। मैं? हाँ मेरे को काय के लिए घुसा रही है सब में? काय की तुम हसीना मलिक हो और हम करिश्मा सिंह हैं, समझी? हमारे सामने अपराधी ना तोते की तरह ऐसा उगल देता है, लेकिन ये ऐसे जो डरे सहमे लोग होते हैं हमारे सामने नहीं बोल पाते हैं। ये डिपार्टमेंट हसीना मैडम का था, वो इनसे सच उगलवाती थी, वो इनसे सारी बातें करती थी प्रेम से, जो हमसे नहीं होती, अब समझे? ऐसा बोलना कि तेरे को मेरी मदद चाहिए। मैं तेरी मदद करेगी लेकिन मैं अकेली नहीं जाएगी, तू आगे जा मैं पीछे आती। 2000 में बहुत काम कराती खड़ूस। का बोली? कुछ नहीं, चल चल आगे। अरे चल।
लोग यहाँ पे? देखिए, हमने पहले ही कहा कि मुझे आपसे कोई भी मदद नहीं चाहिए, मेहरबानी करके चले जाइए यहाँ से। अब वैसे भी वो कचरा का डब्बा आपको मिल गया है ना, मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन आप हमसे तो कह सकते हैं, हम SHO हसीना मलिक हैं, महिला पुलिस थाना। हम आपको जानते हैं। तो आप ये भी जानते होंगे कि आज तक जिन्होंने भी हम पर भरोसा किया है, हमने कभी उनका भरोसा नहीं तोड़ा। सच बात यह है कि हमें आपको थाने में देखकर ही लगा था कि शायद आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। आपको हमसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ आए ही हैं आपकी मदद करने के लिए। इसलिए प्लीज बेफिक्र होकर इत्मीनान से बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है, आप क्यों इतने परेशान हैं। मेरा बेटा गोपाल किडनैप हो गया है। और किडनैपर ने कहा है कि अगर हम पुलिस के पास जाते हैं और कुछ भी बताते हैं तो मेरे बेटे को मार देंगे। इसलिए आपसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए मैडम। नहीं नहीं नहीं, आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा, आप समझ रहे हैं हमारी बात को। एक मिनट, उनका फोन है क्या? किडनैपर का? स्पीक स्पीक स्पीक। हाँ हाँ हाँ, हेलो। पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ, ओके ओके, पैसों का इंतजाम हो गया है। ठीक है, तो ठीक 6 बजे पैसे लेकर माल गोदाम के पीछे पहुँच जाओ। पैसे मिलते ही तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप दी जाएगी, याद रहे। पुलिस के पास जाने की गलती मत करना वरना समझ जाओ। पापा पापा, मुझे बचा लो पापा, आप कब आओगे पापा, जल्दी आइए पापा। हेलो बेटा बेटा बेटा, एक मिनट, घबराइए बिल्कुल भी मत, आप समझ हमारी बात को। हाँ हाँ, आप पहुँचिए, हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, कुछ नहीं होगा, आपको आपका बेटा मिल जाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। हाँ ठीक है। आखिरी बार कह रहा हूँ, पैसे वापस करो। कौन से पैसे? उड़े दान वाले पैसे। ओ चपड़ गंजू, अरे कोई पैसे से नहीं है हमारे पास। अरे ये बागड़ बिल्लू, ये बात मैं मैडम सर को बताऊंगा ना तो तुम दोनों की अर्थी उड़ जाएगी, ये तुम्हारा चाय का ठिया और ये बिरयानी का ठिया यहाँ से फटाक से गायब हो जाएगा। पैसे वापस करो। देखो देखो बिल्लू भाई, ये गलत बात है। देखो पड़े हुए पैसे किसी के भी हो सकते हैं। सिन्हा जी अपनी आवाज में बोलिए। अब चपड़ गंजो जिसकी लाठी उसके भैंस समझे कि नहीं, भैंस के बच्चे। अच्छा कहाँ है लाठी, मेरी लाठी कहाँ है? अरे दो भैंसों का जोड़ा ऐसी पड़ेगी ना, यहाँ दोनों पड़े मिलोगे। मुझे पता है वो इंसान जो है ना, उसको उस पैसे की कितनी जरूरत है, उसको वापस लौटा दो, पैसे वापस करो। ओके ओके ठीक है ठीक, करते हैं, जल्दी जाओ। अननोन नंबर। हेलो हेलो, आपकी अमानत मेरे पास है। पता है आपको? कैसे पता? आपने तो बताया। हाँ अभी नहीं, अभी बताया। ठीक है, तो आपकी अमानत मुझे लौटानी है, कहाँ कैसे मिल सकते हैं? हाँ हाँ, ठीक ठीक 6 बजे मैं माल गोदाम के पीछे पहुँच जाऊँगा, आपने कहा था ना मैं पहुँच जाऊँगा। हाँ अभी बोला, ठीक है माल गोदाम के पीछे ठीक 6 बजे मिलते हैं। और सुनिए, पुलिस के पास बिल्कुल मत जाना वरना। अरे कहा ना मैं पुलिस के पास नहीं जाऊँगा, एक बार बोल तो दिया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन में चिड़चिड़ापन हो जाता है, लेकिन डोंट वरी, हम मिलते हैं 6 बजे माल गोदाम के पीछे। बहुत टेंशन में। ए बागड़ बिल्लो, ए कहा गए रे? ए चटक चंदनी, तूने कभी ऐसा गर्मा गर्म छुरी को ऐसा मक्खन पे फिसलते हुए देखा है क्या? वैसे ही में तेरी मैडम सर के कैरेक्टर में घुस गई है रे, क्या मस्त काम करती है। मैं कभी कभी तो हमें लगता है कि हम हसीना मलिक ही हैं और बस उर्मिला होने का नाटक कर रहे हैं।
क्या बोलती पब्लिक, करती है ना मैं एक नंबर काम। सुनना, इस बात पे मेरा थोड़ा फीस बढ़ा दे, 2000 का खाली 3000 कर दे, उतना काफी। वो कहावत सुना है तुमने, आधी को छोड़ के एक के पीछे भागते है ना, तो जो आधा मिलता है उससे भी जाते। 2000 भी कैसे देते हमारा जी जानते है, 3000 लोग की तुम आई बड़ी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वैसे अपन अभी इधर जा किधर रहे? अनुभव भैया सुनिए, चिकने से मिली है। चल चल मजा आएगा, वो भी बहुत डायलॉग मारते तेरे जैसा। जरूरी काम है इसलिए जा रहे हैं। तो काम तू करना, मेरे को क्या? ऐसा क्या जरूरी काम है जिसके लिए अनुभव से थाने के बाहर मिलने जा रही है करिश्मा सिंह? अरे ये तो हमारे चाचा जान वाला कूड़ादान है। पहली बार देख रहे हैं एक कचरा खुद कचरे दान को लेके भागे जा रहा है। सुनो, ये जो कचरा दान है ना, ये हमारा है, हमारे चाचा जी की आखिरी इंसानी है, इसको हम ले नहीं जाने देंगे, समझे ना? चल भागे। अरे नवाब साहब, वैसे आप जिसे इंसान के लिए छोड़ भी कर जाएंगे, ये डस्टबिन आपका है, इसका सबूत क्या आपके पास? तुमको रतौंधी आ रही है क्या? हाँ? अरे इतना बड़ा पान के पी का ढब्बा नजर नहीं आ रहा है तुमको? ये कौन सी बात हुई नवाब साहब, कल हम लोग पान खा के आपकी हवेली भी थूक देंगे तो क्या हवेली हमारी हो जाएगी? बताइए, बोलिए। अब ये जो पान का ढब्बा है, जो इसका निशान है, ये पूरी लखनऊ में हम ही नक्काशी कर सकते हैं, समझे ना? और कोई दूसरा नहीं है पगले कहीं के। हट, पान के इंजीनियर बने। इसको खोलो, खोलो, खोलो। हम नहीं खोल रहे। खोलोगे नहीं तो तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे मुंह पे हम नक्काशी करके जाएंगे। मुंह पे थूक देंगे अपनी बात की। अरे पान पी के डरा। अरे नवाब साहब की बेगम गिर गई। ओ ओ ओ बेगम गिर गई। और ये देखिए, बता देगा तुम दोनों का झुंझुना। यानी हट जा हमारे रास्ते से, वरना खामा खा मारा जाएगा। हट जाओ, ये किसी की अमानत है मुझे वापस करने। कौन है ताना मारा? हमारा, और इसमें जो दाना है वो भी हमारा है। तुम नवाब हो? नवाब पैसे के पीछे भाग रहे हो? जी नवाब है, कोई तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। आई हुई दौलत हाथ से जाने दे, ये हमारा। इधर देखो, जैन भैया। जैन, ऐसा कौन सा अति आवश्यक काम है जिसके लिए आपने हमें बुलाया? वो बहुत जरूरी बात है सर। भैया हमें ना जो है वो एक चाबी मिला है। ये तो उसी लॉकर की चाबी है जो हमने करिश्मा सिंह के पास छुपाई थी। भैया हमें ना जो है वो एक चाबी मिला है। इस चाबी के बारे में करिश्मा सिंह को कैसे पता चल गया? नहीं, ये ठीक नहीं। और उससे भी ज्यादा गलत ये हो रहा है कि करिश्मा सिंह ये चाबी अनुभव को दे रही है, जबकि अभी तक हम ये नहीं जान पाए हैं कि अनुभव सही है या गलत। ये चाबी हमें जब हमारा पुराना यूनिफॉर्म देख रहे थे उसमें से, और ये चाबी हमारा है ही नहीं, क्योंकि ऐसा चाबी हमने कभी अपने पॉकेट में, कभी अपने यूनिफॉर्म में रखा ही नहीं। मैडम
मैडम से बस आप आंखें बंद मत कीजिए, आप हमारी बात सुन रही है ना? हमको ऐसा लग रहा है ना भैया, इस चाबी का मैडम सर के कत्ल से कुछ ना कुछ लेना देना है। हमको ऐसा लग रहा है कि ये चाबी का कुछ तो है राज, अगर ये राज खुल जाएगा ना तो बहुत सारे राज खुल जाएंगे। हो सकता है कि ये चाबी हमको उनके कातिलों तक पहुंचा सकता है। नहीं, ऐसा हमें आभास हो रहा है और हमें जो आभास होता है वो सही निकलता है भैया, आप समझ रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो हम इस चाबी के रहस्य तक जरूर पहुंचेंगे। हसीना जी की मौत को हम यूं जाया नहीं जाने देंगे। ये चाबी ही सारे राज खोलेगी और उनके कातिलों तक पहुंचाएगी। ये चाबी अनुभव को हार्ड डिस्क तक पहुंचा सकती है और हम ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे।